हेलो दोस्तों, मैं हूँ मनीष और आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे सेंसर सेटिंग के ऊपर और साथ ही साथ हमारा जो है रोलर है और ऑन ऑफ स्विच है और ये ऊपर वाली जो ऑन ऑफ कंट्रोल स्विच है इनके ऊपर हम बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ सेटिंग्स भी करके देखेंगे। तो ये है हमारा सेंसर। अभी दरअसल मशीन जो है मेरी चलते चलते जो है सेंसर काम करना बंद कर दिया था, तो आप देख रहे होंगे कि ये ऐसे टच करने से तो जल रहा है लेकिन अपन जो स्टिक डालते हैं स्टिक डालने से नहीं जल रहा है। तो आप भी अगर सेंसर के प्रॉब्लम से परेशान हैं तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। जनरली क्या होता है कि जो मशीन हमारी होती है जो चलते चलते इनका जो जो स्क्रूस होते हैं, मतलब जो पीछे तरफ आप देख रहे होंगे दो बोल्ट लगी हुई है, एक सामने की तरफ है और एक पीछे की तरफ है, तो चलते चलते ये कभी कभी ढीला हो जाता है। तो ढीला होने की वजह से जब हमारी मशीन चलती है तो वाइब्रेशन करने लगती है, तो वाइब्रेशन के वजह से ये इसका जो सेटिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, मतलब खिसक जाता है। सबसे पहले हमें काम करना है कि जो बोल्ट लगे हुए हैं उसको हमें ढीला करना है। ये अब इस टाइप का दो पन्ने रख लीजिए आप, एक तरफ आपको पन्ना पकड़ना है और दूसरी तरफ आपको ढीला करना है। तो ये हो गया है हमारा ढीला और आप एक जो है आपका जो पन्ना होगा उसको आप लगा के रखे रहिए और उसके बाद हम प्रॉपर इसे सेट करते हैं। तो इस टाइप से आपको करना है। और कई लोग क्या करते हैं कि सेंसर में प्रॉब्लम होने की वजह से पट्टी जो है वो सीधा कर लेते हैं, तो पट्टी को आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ये अपना पोजीशन में जो है बेंड पोजीशन में उसको आपको वैसे ही रखना है, आपको सेंसर के जो बोल्ट्स हैं उसको ढीला करके ही सेटिंग करनी है। अब अगर इसे अगर सीधा करोगे तो बाद में ये प्रॉब्लम करने लग जाएगा। अभी ये पूरी जल रही है तो इसको हल्के से हम लोग घुमाने की कोशिश करते हैं। हल्का आप टच करते करते देखिए, उसके बाद आपका जो है सही पोजीशन में आ जाएगा वो। अब हमारा हो गया पूरा परफेक्ट। और चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है, एक स्टिक लीजिए आप, एक स्टिक को जो है आप लगाइए और स्टिक से ही चेक कीजिए कि आपका ये स्टिक जैसे ही टच होने पे ये जलने लगेगा तो आप इसका प्रॉपर सेटिंग हो चुका है। अब देखिए, देख रहे होंगे कि जैसे ही ये हल्का जो टच होने के हल्का टच होने पर ही जलना चाहिए, ऐसा ना हो कि स्टिक अपना पूरा डाल दिए उसके बाद जल रहा है, तो ऐसे में आपका जो फीडर है वहां से स्टिक आएगा फिर यहां से फंसना चालू हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखिए, इसको कर देते हैं पूरा टाइट। इस तरह से आपको सेटिंग करना है। उसके बाद आपको देखना है कि जो स्प्रिंग्स लगी होती हैं इसमें नीचे में आप देख रहे होंगे, स्प्रिंग को आपको प्रॉपर जो है ढीला होने पर आपको टाइट कर लेना है। नीचे एक बोल्ट लगी होती है उसे ढीला कीजिए, उसके बाद इसको टाइट कर लीजिए पूरा, ताकि ये अपना जो फ्लेक्सिबल है वो थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, पूरी तरीके से टाइट है। और कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम होता है ये ऑन ऑफ वाला, ये पूरा जो है ऑटो कंट्रोल में आ जाता है, मतलब हमेशा से वो चलते रहता है, मतलब रुकने का नाम नहीं लेता है। तो उनका एक कारण होता है कि जैसा अपना ये स्विच देख रहे हो, तो ये स्विच दरअसल होता क्या है कि जैसा दिखाऊं मैं आपको थोड़ा सा, तो ये अभी देखें 2-3 सेकंड में कंटिन्यू चलने के बाद ऑटोमेटिक ही बंद हो गया, लेकिन उसमें वैसा नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि आपका जो है ये स्विच खराब हो जाने की वजह से जो ये कंट्रोलर होता है वो डायरेक्ट हो जाता है, उसके बाद हम स्विच दबाएंगे तो फिर से ही स्टार्ट होने लग जाएगा। और जैसे ही, तो ये 2 से 3 सेकंड में आपको बंद होना है। अगर ये ऐसा बंद नहीं होता तो आप समझ जाइए कि आपका जो ऊपर का जो स्विच लगा हुआ है वो खराब है।
एक बार और ट्राई करके देखते हैं। ये पूरा सेंस करेगा, सेंस करने के बाद आपको ये कमांड दे देगा कि बंद होना है 2-3 सेकंड में, फिर वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और जैसे स्विच फिर चालू करोगे तो चालू हो जाएगा। और अगर इसमें प्रॉब्लम है तो ये कंटिन्यू जो है चलते रहेगा, मतलब जैसा आप इसको दबाएंगे तो ये चलते रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। देखो अब ये जो है कमांड जो है इसका सही है, तो इसका एक प्रॉब्लम ये होता है। इसके बाद है हमारा डीसी मोटर का सेटिंग। कभी कभी क्या होता है कि ये जो डीसी मोटर होते हैं वो चलते चलते स्लो हो जाते हैं, तो स्लो हो जाने का एक जो है नीचे आपका कंट्रोल पैनल में आप देखेंगे कि एक एसी डीसी एडॉप्टर जो है लगा होता है। वो एडॉप्टर का काम होता है कि इनके स्पीड को कम करना या फिर ज़्यादा करना, तो उसको आपको कैसे करना है अभी देखो। फिलहाल जो है वो स्पीड जो है ये डीसी मोटर का काफ़ी अच्छा है, मतलब सही स्पीड में है ये। और जैसा कि आपको दिखाता हूँ मैं कि ये जो है हमारा डीसी मोटर का एडॉप्टर है, तो इसको आपको क्या करना है कि कभी कभी क्या होता है चलते चलते वो स्लो हो जाता है, तो इसको आपको नंबरिंग बाई आपको बढ़ा के देखना है या फिर ज़्यादा स्पीड है तो इसको कम कर लेना है। तो ये हो गया हमारा डीसी मोटर का सेटिंग। एक बार मैं आपको चला के दिखाता हूँ, ये जो है हमारी सही स्पीड में है, मैं इसे कम करके दिखाता हूँ आपको। ये पूरा स्लो हो गया और इसके बाद और स्लो हो गया ये, तो इसको आपको कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग करके रख लेना है। अब इसके बाद हमें इसे चेक करके देखना है, तो यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए इसको और एक स्टिक डालिए और स्टिक को आप अच्छे से पकड़ के रखिए, और पकड़ के रखने के बाद आप ऐसा लगाइए और फिर वापस रिटर्न खींचिए, तो ये क्या होगा कि आपका जो ये जो स्टिक आप हाथ में पकड़े वो एकदम स्पीड से खींचने लगेगा। तो अगर खींचने लगेगा तो आप समझ जाइए कि आपका जो रोलर है और ये जो रबर रोलर है इनकी दोनों की सेटिंग प्रॉपर सही ढंग से है। और उसके बाद आप इसमें जो स्प्रिंग्स लगी होती है वो प्रॉपर आपको टाइट करके रखनी है, और ये प्रॉपर आपको ये जो बोल्ट लगी हुई है उसको प्रॉपर सेटिंग करके रखना है। और जो हमारा जो फीडर से जो स्टिक आएगा वो एक सही पोजिशन में होनी चाहिए, मतलब एक सही दिशा में ये होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। तो ये हमारा हो गया पूरा जो है सेंसर का और जो छोटी मोटी जो सेटिंग्स है उनके ऊपर। तो कुछ स्टिक और चला के दिखा देता हूँ मैं आपको। तो आज के इस वीडियो में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था सेंसर की सेटिंग के ऊपर, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं अगले कुछ नए टॉपिक्स में।